नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई T20 के मैच की, जो कि यहाँ पर खेला जाएगा SHA वर्सेस DUB यानी दुबई के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मैच की प्रोवाइड कराएंगे। जो भी न्यूज़ है मुझे अभी तक पता चली है, मेरे हिसाब से क्या होगी मेरी बेस्ट टीम जिसकी हेल्प से मैं एक अच्छा खासा अमाउंट जीत पाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको इस प्रकार की वीडियोस आगे मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को यानी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप, किसी भी मैच की फाइनल टीम सबसे पहले मिले, मेरी खुद की फाइनल टीम सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 2000 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास दो पिक हैं, एफ अहमद की है और ए खान की है। इसके अलावा और कोई पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, हेड टू हेड में या फिर ग्रा लीग भी आप लोग खेल रहे हो, तो अगर आप विनिंग जोन के अंदर आना चाहते हैं तो इन दो से और कोई पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं एफ अहमद को पिक करूंगा। आगे मुझे कोई अगर और अच्छा प्लेयर नहीं मिला तो यहाँ से मैं ए खान को पिक कर लूंगा। बैटिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर आर मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं के शाह को पिक करूंगा और यहाँ पर मैं पी मेहरा को पिक करूंगा। पनोली की अगर मैं बात करूँ तो लगातार एक बेकार सा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। अगर मैं इनका दिखाऊँ आपको, देखिए 17-0-6-2 तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। बैटिंग का मौका आता है तो आउट हो जाते हैं या फिर कुछ खास करते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन ही पिक करूँगा क्योंकि ज़्यादा बैट्समैन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पर विकेट्स गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको भी उसी प्रकार से अपनी टीम का कॉम्बिनेशन करना है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए यहाँ पर मैं के दाऊद को पिक करूँगा। जो मॉर्निंग में इनका मैच हुआ था वहाँ पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किए थे, ओनली यहाँ पर देखिए 27 ही पॉइंट दिए थे। तो इस मैच में अगेन पिक करूंगा क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं यू अली को पिक करूंगा, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था सुबह के मैच में। तो अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट इन्होंने भी किए थे, लेकिन अगर पॉइंट क्या पता इनके यहाँ पर शो हुए नहीं हुए, यानी प्लेयर तो अच्छा है तो मैं इसको पिक करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं ओ फारूक को पिक करूँगा जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने 5 प्लेयर यहाँ पे शारजा के पिक किए हैं, 2 प्लेयर हम लोगों ने यहाँ पे दुबई के पिक किए हैं क्योंकि जो शारजा है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है दुबई के मुकाबले। और अगर आप एस शेख को यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यू अली को ड्रॉप करके एस शेख को यहाँ पर पिक कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस्ड यहाँ पर बना सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मैं लतीफ़ को पिक करूँगा, केशवानी को पिक करूंगा, नसीर को पिक करूंगा। तो मैंने आपसे कहा था हमारे पास अगर क्रेडिट बचेंगे, अगर हमें कोई और अच्छा प्लेयर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मैं आकर एक खान को पिक कर लूंगा और बिल्कुल एक बैलेंस टीम जो है वो यहाँ पर मैं बना दूंगा। तो बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज ये करूँगा क्योंकि हमारे जो ज़्यादा बॉलर्स हो गए हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं दुबई की तरफ से, शारजा की तरफ से हमें एक और बॉलर पिक करना चाहिए। तो आई थिंक हमें यहाँ पे केशवानी को ड्रॉप करके चिरमान को पिक कर लेना है। उसके अलावा बाकी मेरी जो फई है फाइनल टीम रहेगी, मुझे यहाँ पर नहीं लगता मुझे यहाँ पर कोई चेंज करना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर हमने बॉलिंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी है दुबई टीम की, तो लाइनअप आने के बाद मैं अगेंस्ट कुछ चेंजेस करूंगा अपनी टीम में। तो इसलिए टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको फाइनल टीम वहाँ पर दे दी जाएगी विदाउट एनी टाइम लाइनअप के बात, उससे ही पहले आपको मैं वहाँ पर फाइनल टीम प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ ब्रिज टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्लेयर को बनाएं, तो यहाँ पर देखिए कैप्टन यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ओ फारूक को, वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं के दाऊद को बनाऊंगा। मॉर्निंग मैच में 27 ही पॉइंट किए थे, कुछ खास नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ओ फारूक को मैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के दाऊद को बनाऊंगा। अगर जो भी भाई मेरे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो के दाऊद को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर लिया कीजिए क्योंकि मुझे एक ऐसी टीम देनी होती है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। मैं आपको हमेशा ऐसी टीम देना चाहता हूं जो हमेशा विन करे। तो अभी के लिए मेरी कुछ यही फाइनल टीम रहेगी, मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूं। जरूर आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हैं वहां पर जाके आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर लीजिएगा, 100% आप लोग इस टीम के साथ जरूर वॉन करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।